दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया,
जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूँ 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है।
जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूँ 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में, तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में,
तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो 90% गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Zee5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Zee5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Zee5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है, जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है, तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ,
इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में, तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है, जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है, तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा।
आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया।
शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूँ 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है।
यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है।
तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को ZEE5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया,
आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 90% गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सिंह के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की
कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला पोर्शन
मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूँ, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है।
इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है, तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में, तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है।
तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को ZEE5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया,
आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो 90% गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सिंह के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की
कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी
पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूँ, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है।
इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है, तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में, तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है।
तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को ZEE5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया,
आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो 90% गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है, जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है, तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है।
दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सिंह के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की
कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी
पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूँ, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है।
इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है, तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूँ 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में, तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है।
तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को ZEE5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया,
आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो 90% गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है, जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है, तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है।
दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सिंह के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की
कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी
पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 47% रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म G5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को G5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है।
इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैंने इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो 7 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई रोमांस एंड ड्रामा मूवी केदारनाथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस मूवी की स्टारिंग कास्ट में रहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, अलका आमीन, पूजा गौर, सोनाली सचदेव, मीर सारवार, तरुण गहलोत, निशांत दहिया आदि मुख्य कलाकार इस मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 घंटा 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 1 घंटे और 56 मिनट के करीब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 6.8 की दमदार रेटिंग भी मिली हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूँ 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 47% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से भी इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अब बात करें इस मूवी के गूगल यूज़र्स के बारे में, तो 90% गूगल यूज़र्स की तरफ से भी इस मूवी को पसंद किया गया है।
तो दोस्तों यह मूवी आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को ZEE5 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 47 करोड़ के करीब रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह रहने वाली है। केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह निर्मित एक 2018 की रोमांटिक ड्रामा आपदा फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान शामिल है। यह एक अमीर हिंदू लड़की की कहानी बताती है जो उत्तराखंड पहाड़ों के ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा लेती है, जहां वह एक विनम्र मुस्लिम लड़के के साथ मिलती है और प्यार करती है, जो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते यात्रा के करीब बढ़ते हैं, इस जोड़ी को पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब 2013 उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश इस क्षेत्र को तबाह कर देती है, तो जोड़े को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार के अंतिम परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को होनी, पर 19 अगस्त 2017 को जारी फिल्म का पहला मोशन पोस्टर सारा अली खान का पहला रूप 8 अक्टूबर 2017 को सामने आया। शूटिंग के सीन के बाद 16 जून 2018 को पूरे हो गए थे। फरवरी 2018 में निर्देशक अभिषेक कपूर और निर्माता क्रिएज एंटरटेनमेंट के बीच एक विवाद ने मुकदमा चलाया, जिसने उत्पादन पूरा होने की धमकी दी। बाद में निर्माण जारी रखने के अपने इरादों को स्पष्ट किया। नवंबर 2018 में केदारनाथ के पुजारियों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये दोस्तों आपको बता दूं, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनलों पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस मूवी की क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और इस मूवी की कहानी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एंजॉय करने को मिल जाएगी। दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ भी लेटेस्ट खबर मुझे मिलती है तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।